हाय दोस्तों दोस्तों आज हम मैंडोलियन पर सॉन्ग गुलाबी आंखें प्ले करेंगे। इस पर बताया जाएगा कि इसको कैसे प्ले किया जाता है इंडियन स्केल के हिसाब से। इंडियन स्केल जी देखिए, इसको ट्यून इंडियन के हिसाब से किया जाता है। ये जो जो तार फोर्थ स्ट्रिंग होती है इसको किया जाता है पा पर ट्यून। ये जो सेकंड और फोर्थ हैं इनको दोनों को पा पर ट्यून किया जाता है। और ये जो थर्ड और फर्स्ट जो है जो इन दोनों को सा पर ट्यून किया जाता है इंडियन स्केल के हिसाब से। जैसे हो गया जी जी और ये दोनों सी सी, ये दोनों सी पर फर्स्ट और थर्ड, और ये सेकंड और फोर्थ ये जी स्केल पर ट्यून। तो चलिए हम सॉन्ग देखते हैं कैसे इस पर प्ले होगा। तो हम इस सॉन्ग को पहले काले के हिसाब से प्ले करेंगे। पहले काले को सी स्केल से करेंगे, सी स्केल से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू में पहले मैं प्ले करता हूँ, बाद में फिर इसको मैं स्लो पे जाकर दिखाऊंगा। देखिए ये शुरू वाला जो म्यूजिक प्ले होता है वो है। ये देखिए ये प्ले हुआ है, ये पास से शुरू हो रहा है। ये जो म्यूजिक शुरू में प्ले था, ये सेकंड स्ट्रिंग जो है नीचे से शुरू होता है इसका, 1 2 3 4, और ये सेकंड स्ट्रिंग है उससे। ये देखिए ये है पा पा दनी सा, आगे है रे सा नी दा पा दनी। फिर देखिए ये साथ में रोलिंग, थोड़ा आप ये रोलिंग कर सकते हो, मेरा भी थोड़ा रोलिंग अड़ता है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर देखिए पा दा नी सा नी दा पा दा नी सा नी दा पा मा पा दा। ये देखिए ये था, ये और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये जो सेकंड ये पा 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 से शुरू है, पा ओपन पा दा नी और साव आगे ओपन। फिर देखो पा दा नी सा, आगे रे कोमल लग रहा है, रे सा नी दा पा दा नी, आगे सा नी दा पा मा पा दा, आगे नी कोमल नी दा पा मा गा मा पा। ये देखिए इसमें दा नी और रे ये तीनों स्वर कोमल लग रहे हैं। ये देखिए दा नी और रे, रे कोमल। फिर देखिए फिर एक बार जी देखिए इसको और पास से देखो, ये है पा दा नी रे सा नी दा पा दा नी। रोलिंग ये देखिए, जब हम नी पर रुके तो रोलिंग जैसे सा रे सा नी दा पा दा नी, फिर सा नी दा पा मा पा दा, तो दा पर रोलिंग होगी। फिर देख शुरू से फिर देखो पा दा नी रे सा नी दा पा दा नी, आगे सा सा ऊपर बज रहा है, सा नी दा पा मा पा दा, आगे
नी कोमल, नी दा पामा गा मा पा। तो आगे सॉन्ग करेंगे हम गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये शुरू वाला हो गया। ये था सा सा दा दा कोमल, दा कोमल ये देखिए, सा सा दा दा पा दा नी पा मा पा दा मा गा मा पा, देखिए गा मा पा। फिर एक बार देखिए रिपीट कर रहे हैं हम, सा सा दा दा पा दा नी पा मा पा दा मा गा मा पा। ठीक है, ये दो लाइनें से पर प्ले होगा सॉन्ग जो है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। आगे संभालो मुझको भी इसी पर प्ले होगा, संभालो मुझको मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। ठीक है, ये हो गया। से आगे दिल में मेरे वो बोला, ये था सा यानी सी, सा से सा गा पा सा। फिर देखिए ये वाला जो थर्ड तार और सेकंड तार, सा गा पा सा। वो हम थे जिस लाइन पे, ठीक है ये देखिए, ये है सा गा सा गा पा सा री मा दा रे, रे भी कोमल दा भी कोमल। फिर देखिए सा गा पा सा री मा दा रे, आगे री गा गा भी कोमल, री गा मा पा मा गा पा मा गा रे सा। फिर वही लाइन आ जाएगी, मैं लुट गया बड़ी, वही जो पहले म्यूजिक प्ले किया था उसी पर, मैं लुट गया माने कर दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ ये दिल रुबा। देखिए पादा नी सा रे सा रे सा नी द पा दा नी द पा मा पा दा नी द पा मा गा मा पा। ठीक है, ये बस ये तो हो गया सॉन्ग। तो एक बटाले से राजन कुमार भाई साहब, उनके लिए उनका स्केल अलग है, तो उनके लिए थोड़ा बताऊंगा। स्केल दूसरे पे ट्यून करते हैं, वो आगे वाली तार जो है वो ई पर ट्यून करते हैं। ठीक है, वो इसलिए उनको इसी स्केल पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, उनको समझ आ जाएगा। ये देखिए पा दा नी सा, देखिए ये जहां से चलना राजन भाई, पा दा नी सा। ठीक है, आगे रे कोमल जे पास ही है इसके, ये देखिए रे कोमल जे बोला, पा दा नी सा रे सा नी दा पा दा नी। फिर देखिए ये देखो, ठीक
सा नी सा नी दा पा मा पा दा नी दा पा मा गा मा पा। ठीक है, आपने जैसे मैं अगली अगली स्ट्रिंग पर जा रहा हूँ, आपने नहीं जाना, आपने इसी पर प्ले करना है। पा दा नी सा रे सा नी दा पा दा नी सा नी दा पा मा पा दा नी दा पा मा गा मा पा। ठीक है, यही बस आपको अलग से प्ले करना है, बाकी जो जो मैंने बताया था गुलाबिया के सॉन्ग वो आपने उसी तरीके से करना है। सॉरी, ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट के जरिए हमें और भी सजेशन करना और भी बताना, अगर मैंने भी कुछ गलत बताया मुझसे हो गया हो तो वो भी मेरी गलती बताना, भी ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।